इस वीडियो में टेक फ्रेश जेल आई ड्रॉप के बारे में देखेंगे भाई, ये क्या काम आती है, क्यों दी जाती है, कौन सी प्रॉब्लम काम आती है, दिन में कितनी बार डालनी चाहिए, इसकी डोज क्या होती है, कितने दिन तक डाल सकते हैं, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिए। देखिए टेक फ्रेश जेल एक ब्रांड है फार्मा टेक कंपनी का। दोस्तों ये आंखों में डालने की एक आई ड्रॉप आती है, तो आंखों के सिवा और कहीं पर भी इसका यूज नहीं किया जाता। इसको आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आंखों को चेक करके देते हैं। कभी भी इस दवा का सेल कुछ मत कीजिएगा। बात करते हैं भाई क्यों देते हैं, तो देखिए इसके अंदर जो मेन सोल्ट आता है, जो मॉलिक्यूल आता है, उसका नाम है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस 1%। दोस्तों कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस एक आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट होता है, आर्टिफिशियल आंसू होता है, टीयर होता है, जो आंखों को लुब्रिकेशन करने के लिए, आंखों में नमी प्रदान करने के लिए, आंखों में आंसू की कमी को दूर करने के लिए, टीयर की कमी को दूर करने के लिए दिया जाता है। एक्चुअली आंखों के अंदर नेचुरल लुब्रिकेंट भी होता है, नेचुरल टीयर भी होता है, नोबल लुब्रिकेंट यानी आंखों को लुब्रिकेंट करना है, नमी देता है, तो वहां पर कई बार उसी लुब्रिकेंट यानी उसी टीयर की आंखों में कमी हो जाती है, तो कमी हो जाती है या फिर कम बनता है या फिर नहीं बन रहा, तो उस टाइम के लिए ऐसा हो सकता है आंखों में, तो वहां पर फिर आंखों में कई सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आंखें ड्राई रहती है, आंखें सूखी सूखी रहती है, नमी कम हो जाती है, आंखों में इन्फेक्शन के चांस बढ़ने लगते हैं, आंखों में इरिटेशन होने लगती है, तो वहां पर फिर ये चलाई जाती है। आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट होता है लेकिन काम एज इट इज नेचुरल लुब्रिकेंट, जो आंखों में नेचुरल तरह से बनता है उसी तरह से करता है, तो शॉर्ट टर्म में यूज कर सकते हैं, इसके अच्छे बेनिफिट होते हैं, कोई नुकसान नहीं होते। अगर बात करूं भाई शॉर्ट टर्म में कितना दिन, तो देखिए 7 से 10 दिन दी जाती है, दिन में 2-3 बार डाली जाती है, हमेशा अपने डॉक्टर के हिसाब से डालनी चाहिए, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग ड्यूरेशन और डोज अलग अलग हो सकती है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो बहुत ही कम समय में चलती है, 1 मंथ तक चल सकती है, ठीक है। बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट के बारे में, डालने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो डालने के बाद हो सकता है कि आंखों में जलन होने लगे, आंखों में खुजली होने लगे, आंखों में टाइटनेस महसूस होने लगे, लेकिन ये बहुत ही कम चांस होते हैं, सभी के साथ नहीं होते। इस आई ड्रॉप की सावधानी यही है, कभी भी आपको सेल्फ यूज नहीं करना है, कोई महिला प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में है तो भी डॉक्टर की सलाह से ही डालना चाहिए, बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।